Hi friends and welcome to Career कुल the educational गुरुकुल टू थाउजेंड की रैंकिंग्स क्योंकि अब रिलीज हो गई हैं इसलिए हम लोग आज 2020 की रैंकिंग्स के हिसाब से कौन से टॉप टेन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इसको देखेंगे और इसमें हम लोग मीडियम सैलरी पे ध्यान देंगे रिसर्च में उन्हें कितने पॉइंट्स मिले रिसर्च में क्वालिटी पेपर्स नंबर ऑफ पेपर्स पेटेंट्स आईपीआर कितने फाइल हुए हैं और एक हम परसेप्शन मतलब लोग क्या समझते हैं उसके हिसाब से एक टॉप टेन क्या होगा इन्हीं में से वो भी देखेंगे क्योंकि एक परसेप्शन का भी स्कोर रहता है तो मेरा नाम है सागर आनंद मैंने बी टेक वीआईटी वी आई से एम टेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी डस्ट जर्मनी से और मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ हमारी सर्विसेज इंक्लूड करती हैं फाइव सेक्टर मॉडल

थ्री टेस्ट प्लस करियर सेशन एंड मेंटरशिप क्लियरिंग कितने तक करेंगे, ये आपको हम फोन पे ही बता देंगे हम आप पर्सनैलिटी पर्सनलिटी थ्योरी एंड हैव कंडक्टेड नियर अबाउट टेन थाउजेंड टेस्ट एज ऑफ नाउ फॉर द लास्ट फोर ईयर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन हॉलैंड कोड एंड सोशल लर्निंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन बैंडोराज थ्योरी सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर टेन पे नंबर टेन पे जो कॉलेज आ रहा है वो है ट्रिपल आई टी हैदराबाद ये प्राइवेट कॉलेज है मैं आपको बता दूं मीडियम सैलरी के हिसाब से एक्चुअली ये नंबर वन पे है नंबर वन पे, पे है ट्रिपल आई टी हैदराबाद इन टर्म्स ऑफ मीडियम सैलरी और इसके बाद फिर आता है बिट्स मीडियम सैलरी में और इसकी जो एवरेज मीडियम सैलरी है मीडियम सैलरी एवरेज नहीं वो है ट्वेंटी लैक्स पर एनएम ट्वेंटी लैक्स पर एनएम क्योंकि ये इसमें जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका जो कट ऑफ मार्क्स मेंस में होता है वो बहुत हाई होता है दैट इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ टॉप एन आई टी उनसे भी अच्छा होता है तो अगर इनका एवरेज या मीडियम सैलरी मीडियम अलग होता है एवरेज अलग होता है तो मीडियम सैलरी ट्वेंटी लैक्स पर एन एम है दिस इज ऑलमोस्ट इन द लाइक्स ऑफ आई एम अहमदाबाद जिनका मीडियम सैलरी तेईस लाख के करीब है बिट्स की जो मीडियम सैलरी है जो दूसरे नंबर पे है ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैक्स पर एन एम बट रैंकिंग के हिसाब से ये नंबर टेन पे है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं आइए इनका रैंकिंग रिसर्च uh, में भी देख लेते हैं, रिसर्च में जो इनको मिले हैं मार्क्स दैट इज ऑलमोस्ट थर्टी सेवन आउट ऑफ हंड्रेड तो ये काफी कम मार्क्स हैं नॉर्मल एन में जिनमें रिसर्च नहीं भी होती उनके भी नियरली फिफ्टी के करीब मार्क्स रहते हैं इनकी मीडियम सैलरी इनका नंबर वन एडवांटेज है जो है ट्वेंटी लैक्स पर एन और इनका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो नाइनटी फोर कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला था इनके वहां जो प्लेसमेंट मिला था वो हंड्रेड एंड फोर्टीन स्टूडेंट्स को मिला था हंड्रेड एंड फोर्टीन तो काफी कम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हेंस बहुत अच्छा तो है ही ये और डेफिनेटली इन ये वन ऑफ द टॉप टेन में डिजर्व करता है नाइन्थ uh, नंबर पे हम लोग आते हैं करेंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इसकी जो रिसर्च में इसको पॉइंट्स मिले हैं केवल ट्वेंटी मिले हैं आउट ऑफ हंड्रेड सो ये काफी लो लाई कर रहा है और ये ट्रिपल आई हैदराबाद के भी नीचे आ रहा है रिसर्च में और रिसर्च में जो चीजें हम लोग देखते हैं वो देखते हैं नंबर ऑफ पब्लिकेशंस उनके वहां फैकल्टीज ने कितने करें पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन लोगों ने कितने करें तो इसमें कम मार्क्स मिलने का ये मतलब है एक तो कि फैकल्टी नंबर ऑफ फैकल्टीज कम हो सकता है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बाय रिसर्चर्स जो पीएचडी कर रहे हैं वहां पे जो रिसर्चर्स हैं वहां पे जो पीएचडी कर रहे हैं वो कम है या फिर इनकी फैकल्टी है तो ज्यादा बट पेपर्स uh, पब्लिश नहीं कर रही है और इनकी मीडियम सैलरी जो आ रही है के की वो है फोर पॉइंट टू लैक्स पर एनम और इनका परसेंटेज प्लेसमेंट है नाइनटी सिक्स परसेंट प्लेसमेंट है और इनके यहां थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड स्टूडेंट को जॉब मिला था लास्ट ईयर सो ये थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड जो है काफी हाई है अगर आप इसको कंपेयर करोगे एनआईटीज से तो एनआईटीज में जो है छ सौ बच्चों का होता है तो ये लगभग फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स स्टूडेंट्स को यहां से मिल रहा है तो इसीलिए ये टॉप टेन प्राइवेट कॉलेजेस में आ रहा है क्योंकि ये काफी बच्चों को प्लेसमेंट दिलाता है बट अगेन इसकी रिसर्च थोड़ी कम है तो अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो यहां पे आपको रिसर्च करने का मौका थोड़ा सा कम मिलेगा एट नंबर पे अपनी किसी वजहों से डिजर्विंग वजहों से है एस आर एम और इनमें क्यों ये डिजर्व करता है नंबर वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी एनआईटी टी बेट्स कलिंगा नहीं मिला या कलिंगा में बहुत महंगा पड़ रहा है एसआरएम भी महंगा है खैर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनको आईआईटी एनआईटी बिट्स नहीं मिला है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लेसमेंट मिलना भी अगर वो अपने रीजनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं थोड़ा मुश्किल होता है तो एस आर एम वन ऑफ द सेवियर्स है क्यों क्योंकि इनका परसेंटेज प्लेसमेंट अगर आप एस आर एम का देखेंगे तो नाइनटी सेवन परसेंट प्लेसमेंट है और कितने बच्चों को दिलाता है ये प्लेसमेंट ये ऑलमोस्ट इंडिया के मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को एक कॉलेज से जो प्लेसमेंट दिलाता है वो एस आर एम है दैट इज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड स्टूडेंट्स Placed in a year. है, TCS में जा रहे हैं बट जॉब मिल रहा है और यूपी के स्टूडेंट बिहार के यही कहूंगा कि अगर जॉब मिल रहा है वो आपकी नंबर वन प्रायरिटी होनी चाहिए मीडियम सैलरी जो यहाँ पे मिलता है में थोड़ी कम है वो होना ला, लाजमी भी है क्योंकि इनके जो स्टूडेंट्स है वो ब्राइट स्टूडेंट है बट वो आई आई टी और एन आई टी और बिट्स और यहां तक कि मेंस में उनकी रैंक 50 प्लस आई होगी 50,000 प्लस आई होगी तब वो एस में आते हैं और ये ब्राइट स्टूडेंट्स हैं बट नॉट द ब्राइटेस्ट तो थोड़ा सा मीडियम सैलरी कम होने की दो वजह हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं मैं ये बस कह रहा हूं कितनों से अच्छे नहीं हैं और रिसर्च में जो इनको मिले हैं मार्क्स रिसर्च में इनको फोर्टी मार्क्स मिले हैं विच इज बेटर देन और क्योंकि साउथ का कॉलेज है थोड़ा रिसर्च ज्यादा होगी भी विच इज बेटर देन आई टी हैदराबाद एंड इवन बेटर तो बी आई टी मिश्रा पे आते हैं बी आई टी मिश्रा में मैं थर्ड चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम मीडियम सैलरी के हिसाब से बात करें तो नंबर वन कॉलेज है ट्रिपल आई टी जिसकी मीडियम सैलरी है ट्वेंटी लैक्स पर एनम एम सेकेंड कॉलेज है बिट्स और बिट्स उसकी सैलरी जो है मीडियम सैलरी साढ़े बारह लाख पर एनम है और थर्ड नंबर पे आता है मिस्रा जिसकी मीडियम सैलरी एट लैक्स पर एन है बहुत ही अच्छा कॉलेज है कल्चर इसका जो है कल्चर इसका जो है थोड़ा लेड बैक है थोड़ा बिल्कुल ही पूरी तरह से एक तरह से ये गवर्नमेंट का ही कॉलेज आप मान सकते हो बट एक्चुअली ये बिट्स पिलानी जिन्होंने सेटअप किया है बिट्स पिलानी जिन्होंने सेटअप किया है उनके ब्रदर का कॉलेज है ये बीआईटी मिश्रा रिसर्च में बीआईटी मिश्रा को मिले हैं थर्टी फाइव मार्क्स तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से या गवर्नमेंट कल्चर होने की वजह से रिसर्च थोड़ा सा कम है और ये किससे कम है ये आ, आ, के आई से कम है और आप देखेंगे इसके जो पहले आए हैं तीन कॉलेजेस उनमें से ऑलमोस्ट एक से कम है दो से ज्यादा है मीडियम सैलरी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है एट लैक्स पर एन की इनकी मीडियम सैलरी है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनका प्लेसमेंट हुआ है अगर आप कंपेयर करो एस आर एम से एस आर एम में लेकिन इनका फिर कट ऑफ काफी हाई है लेकिन अब सबको नहीं मिल सकता तो जिनको नहीं मिला है उनके लिए सेवियर है एस आर एम मणिपाल वी आई टी और देखिए ऑलमोस्ट टेन टाइम्स स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहां से हो रहा है नेक्स्ट है बहुत ही uh, और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कॉलेज शिक्षा ओ अनुसंधान जो कि रिसर्च uh, में पा रहा है शिक्षा अनुसंधान बट थर्टी मार्क्स थोड़े से कम है थर्टी आउट ऑफ हंड्रेड जो कि बाकी सारे इनके आ, इनसे पहले जो कॉलेजेस हैं सबसे कम है एक्सेप्ट फॉर के आई से ज्यादा है बाकी सबसे कम है uh, एक इनके वहां जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है अगेन वो है प्लेसमेंट जो दिलाया थ्री नाइनोस्ट फोर्टीन 1400 हंड्रेड स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इन्होंने करवाया है और फोर्टीन हंड्रेड का मतलब है कि अगर आप देखेंगे उससे बी uh, आई टी मिश्रा से तो बी आई टी मिश्रा से फोर वन टू था तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो थ्री एंड हाफ टाइम्स जो है ज्यादा प्लेसमेंट करा रहा है तो ये अगेन एक सेवियर है जिनके बहुत ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आई है या फिर आ, मेंस में 50 प्लस प्लस रैंक आ गई है 50,000 आई मीन तो ये उनके लिए एक सेवियर है और इनकी जो मीडियम सैलरी है वो है शिक्षा अनुसंधान की 3.5 पॉइंट फाइव लैक्स थ्री पर एन जो अगेन एक ग्रोइंग कॉलेज के लिए काफी ठीक ठाक सैलरी है नॉट अ बैड सैलरी तो ये एक अच्छा कॉलेज आएगा सरप्राइजिंगली uh, पांचवें नंबर पे आता है एम यूनिवर्सिटी एम यूनिवर्सिटी अगेन क्यों आ रहा है क्योंकि वो इसलिए आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 952 फिफ्टी टू अगर आप इसका प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे तो केवल 65 परसेंट है मीडियम सैलरी इसकी 3.75 पॉइंट लैक्स पर एन है और इसको रिसर्च में जो मिला है वो मिला है फिफ्टी मार्क्स तो विच इज बेटर देन ऑल द प्रीवियस कॉलेजेस जो आए हैं अब तक टेंथ रैंक से और ये क्यों है इनको जो मिलता है मार्क्स वो एक इस पर ही मिलता है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है टीचर्स की क्वालिफिकेशन कैसी हैं कितने साल से पढ़ा रहे हैं तो इनके यहाँ टीचर्स काफी ज्यादा हैं और इनका स्टूडेंट रेशियो टीचर स्टूडेंट रेशियो काफी अच्छा है मतलब आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलेगा इस वजह से इनको रैंक्स अच्छी मिली है प्लस इनका क्योंकि टीचर्स ज्यादा हैं और प्राइवेट है तो ये थोड़ा सा प्रेशर इस पर भी रखते हैं कि पेपर्स जो है आपको हर साल पब्लिश कराना है तो इसीलिए रिसर्च में थोड़े से अच्छे मार्क्स इनको मिले हैं एंड इसीलिए फिफ्थ नंबर पे आ पाया है एमएटी प्राइवेट कॉलेजेस में और इनकी अलग से रैंक मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है बट बत अलग से आप रैंक चेक कर सकते हैं इनकी क्या है नेक्स्ट uh, जो आता है फोर्थ नंबर पे फोर्थ नंबर पे वो है बिट्स पिलानी बिट्स पिलानी अब कौन से कॉलेजेस इस रैंकिंग में छूट गए हैं मैं बता दूं क्योंकि हम टॉप फोर में आ रहे हैं एक है शिवनादर यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 56 पे आया है 56 पे आया अगैन बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक अच्छा है प्लेसमेंट बाकी मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बात करें जो स्टेट में है हमारे उनसे अच्छा है और दूसरा है लक्ष्मीनाथ मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो है ये इंजीनियरिंग में 194 पे आया है बट ये बहुत टॉप का कॉलेज है जो टॉप टेन में एज ऑफ नाउ नहीं आ पाया है तो ये काफी अच्छे दो कॉलेज हैं जो छूट गए हैं रिसर्च में बिट्स पिलानी को जो मार्क्स मिले वो मिले थर्टी फाइव थोड़े कम हैं अगेन आप देख रहे हैं रिसर्च में थोड़े कम है मतलब पेपर्स नहीं पब्लिश हो रहे हैं और पेटेंट्स और आईपीआर नहीं फाइल हो रहे हैं लेकिन अगर आप इनकी मीडियम सैलरी देखेंगे तो टॉप टेन में ये सेकंड नंबर में मीडियम सैलरी में दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैक्स पर एन एम मीडियम सैलरी जो बहुत ही अच्छी सैलरी है और ये आई के टक्कर की मीडियम सैलरी है आई में तेरह से पंद्रह लाख पर एन की मीडियम uh, सैलरी रह रही है, जो उसके आ रहा है। प्लस इसमें एडमिशन तो स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं वो थोड़े से कम है आगे वाले कॉलेजेस से पीछे वाले कॉलेजेस से नहीं अट्ठारह बहुत अच्छे हैं टॉप में आने के लिए डेफिनेटली डिजर्व करता है और बिट्स का नाइनटी जो है प्लेसमेंट है बट इनकी दो वजहों से रिसर्च और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाकी कॉलेजेस से जो आने वाले इसके आगे कॉलेजों से कम है इसीलिए थोड़ा से नीचे बट मैं इसको रखूंगा एक्चुअली नंबर वन पे इन प्राइवेट कॉलेजेस और मैं इसको कैटेगरी में रख सकता हूं टॉप थ्री में रखूंगा विद ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड यहां पे ट्रिपल आईटी टी बैंगलोर के साथ भी रखूंगा बट ट्रिपल आईटी टी बैंगलोर को इन रैंकिंग्स में अभी जगह नहीं मिली है तो मैं इन तीनों को एक साथ रखूंगा

मीडियम सैलरी और थापड़ में जो है 1100 बच्चों का प्लेसमेंट कराया है और इनको जो मार्क्स जो मिले हैं परसेंट uh, प्लेसमेंट जो इनका है वो 86 परसेंट है तो ये थोड़ा सा डिपेंडिंग क्यों पीछे आ गया और क्यों और अच्छा हो गया है दैट इज द क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स ऑफ टीचर्स और कहीं ना कहीं परसेप्शन में भी इनको कि लोग इनको काफी अच्छा मानते हैं वहां पे इनको मार्क्स जो है थोड़े से ज्यादा मिले हैं सेकेंड नंबर पे काफी सरप्राइजिंगली आता है अमृता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अमृता यूनिवर्सिटी एंड इनको रिसर्च में जो मिले हैं फिफ्टी सेवन मार्क्स मिले हैं फिफ्टी सेवन मार्क्स विच इज बेटर देन एनी कॉलेज इनके नीचे जो भी आ रहे थे उनसे सबसे अच्छा है मीडियम सैलरी अमृता की फोर लैक्स पर एनम है फोर लैक्स पर एनम है और इनका परसेंटेज प्लेसमेंट 87 परसेंट है और इनको 1200 1200 बच्चों का प्लेसमेंट कराया अगेन इनका जो टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो है टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो काफी हाई है मतलब आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलेगी और इस वजह से इनको जो है आ, काफी आ, फायदा हुआ है अपनी रैंकिंग में दूसरा इनके यहाँ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए इनको फायदा हुआ है डिफरेंट डाइवर्सिटी है ये फायदा हुआ है इस पर भी मार्क्स मिलते हैं जो इनको काफ़ी अच्छे मिले हैं काफी जो इनका कॉलेज है वो उसमें ऐसे भी लोग को एडमिशन दिया जाता है जो फिजिकली uh, चैलेंजड uh, हैं फिजिकली चैलेंज हैं और वो वैसे बच्चे भी पढ़ते हैं तो इनको उस वजह से काफ़ी मार्क्स मिले हैं अमृता uh, यूनिवर्सिटी uh, जो है नंबर टू पे अब आते हैं नंबर वन पे नंबर वन पे जो यूनिवर्सिटी है वो है वी आई टी वेल्लोर वी आई वेल इसको रिसर्च में मिले हैं सिक्सटी फोर और क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है इनकी लैब्स बहुत अच्छी हैं प्लस इनके जो प्रोफेसर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस हैं एटलीस्ट मैकेनिकल के तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पंद्रह पंद्रह बीस साल का उनको एक्सपीरियंस है प्लस इनके यहाँ रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है हर साल काफ़ी पेपर्स निकलते हैं रिसर्च में इनको एक और रीज़न है ज़्यादा मार्क्स मिलने का क्योंकि टीचर्स हैं ही ज़्यादा टीचर्स अगर आप बिट से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा टीचर्स हैं इसलिए ज्यादा टीचर्स होने की वजह से ज्यादा पेपर्स पब्लिश होते हैं और इसीलिए इनको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं रिसर्च में और इनको जो है आउटरीच पे भी थोड़े से अच्छे मार्क्स मिलते हैं बिट्स से कि इनके यहाँ ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए इनको आउटरीच में भी थोड़े अच्छे मार्क्स बिट से मिलते हैं नहीं तो मैं फिर भी कहूँगा बिट्स अपने तरह से नंबर वन डेफिनेटली है मीडियम uh, सैलरी में डिफिकल्टी ऑफ एंट्रेंस में बट जिनको वहाँ नहीं मिल रहा है वो वी आई में पढ़ सकते हैं मीडियम सैलरी जो इनकी है वो भी काफी अच्छी है फाइव पॉइंट पर अनम है जो इन्हें डालता है फिफ्थ नंबर पे इन टर्म्स ऑफ मीडियम सैलरी इन टर्म्स ऑफ मीडियम सैलरी इनको फिफ्थ नंबर पे डालता है और इनका परसेंटेज प्लेसमेंट जो है यह हर साल थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कराते हैं तो ये आ जाते हैं बस सेकेंड नंबर पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड आफ्टर आफ्टर और इनका स्टूडेंट प्लेडर जो है एट्टी थ्री परसेंट है विच इज ओके ओके बट इट इज बिहाइंड ऑल द कॉलेजे एक्चुअली परसेंटेज प्लेसमेंट की वजह से इनकी जो रैंक आएगी अगर केवल हम परसेंटेज प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो इनकी परसेंटेज प्लेसमेंट सबसे पीछे है एक्सेप्ट टू कॉलेजेस तो इनकी एट्थ नंबर पे रैंक आएगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्लेसमेंट तो ये हमारे टॉप टेन कॉलेजेस थे ये हमारे टॉप टेन कॉलेजेस थे प्राइवेट कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया uh, ये हमारा काम है ये मेरा नंबर है नाइन एट थ्री एट वन एट टू सेवन वन फोर जिसपे आप व्हाट्सऐप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है सो थैंक यू वेरी मच एंड Uh, this is career cool.